वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत 5% बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स को प्रतिमाह मिलने वाली महंगाई राहत में सरकार 5% की वृद्धि करेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सहमति दे दी है। महंगाई राहत 1 मई 2022 से 7वें वेतनमान में 22 और 6वें वेतनमान में 174% होगी। हालांकि ये वृद्धि भी कर्मचारियों को मिल रहे महंगाई भत्ते से 9% कम रहेगी। प्रदेश में कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से 8% बढ़ाकर 20% किया था। तब राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पेंशनर्स की महंगाई राहत में 8% की वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन 5% की ही सहमति मिली। राज्य शिक्षा केंद्र ने लिखा पत्र, 31 अगस्त तक होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सभी जिलों में BRC और APC पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन और परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई थी, जिसे एक बार फिर से बढ़ाया गया है। अब 31 अगस्त तक होगी नियुक्ति। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में होगी बीमा चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य में बीमा चिकित्सा अधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आयोग ने एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसके अनुसार इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होगी, जो कि 11 सितंबर तक चलेगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक साइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के भी 2 नए कोर्स होंगे शुरू। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू होगी। साथ ही हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट और ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी। अब आगे की योजना पर विचार चल रहा है कि किस प्रकार एडमिशन प्रोसेस शुरू हो और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आयोग ने शुरू की तैयारी, 900 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। MPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कई पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक तरफ जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए आयोग ने 153 पदों पर विज्ञापन जारी किया, वहीं दूसरी तरफ लगभग 900 विशेष डॉक्टर्स की भर्ती के लिए एक मांग पत्र प्राप्त हुआ है। इस मामले में MPPSC के OSDR पंचभाई का कहना है कि डॉक्टर्स की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग ने 153 स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया। 153 पदों में 41 अनारक्षित वर्ग के लिए, 41 ओबीसी के लिए, 15 ईडब्ल्यूएस के लिए, 25 अनुसूचित जाति के लिए और 31 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ग्वालियर में आज 28 जुलाई को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन, बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण के तहत जिला रोजगार कार्यालय द्वारा यशस्वी अकादमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट के सहयोग से आज 28 जुलाई को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। इस दिन ये रोजगार मेला सुबह 11 बजे से गोला का मंदिर मुरैना लिंक रोड पर गदाईपुरा स्थित रेडीमेड गारमेंट पार्क परिसर में आयोजित होगा। प्लेसमेंट ड्राइव में 5 जानी मानी कंपनीज कैंपस भर्ती करने आ रही है। नर्सिंग होम एसोसिएशन चलाएगा मां नर्मदा राहत क्लिनिक। आर्थिक तंगी के कारण जरूरतमंद नागरिक बेहतर उपचार सुविधा से वंचित न रहने पाए, इसके लिए MP नर्सिंग होम एसोसिएशन आगे आया। एसोसिएशन द्वारा PPP मोड पर नगर निगम सीमा में मां नर्मदा राहत क्लिनिक खोलने की तैयारी की जा रही है, जहां जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क परामर्श व जांच सुविधा का लाभ दिया जाएगा। 15 अगस्त को 51 क्लिनिक्स का शुभारंभ किया जाएगा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू रोटरी क्लब ने राहत क्लिनिक्स को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। राहत क्लिनिक के संचालन के लिए देश के कुछ उद्योगपतियों ने भी सहयोग का भरोसा दिया। नक्सलियों के लिए समर्पण नीति लाएगी सरकार, आत्मनिर्भर बनाने का होगा प्रयास। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नक्सलियों के लिए जल्द ही समर्पण नीति ला रही है। इसमें नक्सलियों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 लाख रुपए नकद देने के साथ निःशुल्क आवास, खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेज दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद होगी मतदाताओं के नाम कटने और मतदान केंद्र बदलने की जांच।
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम कटने और बिना बताए मतदान केंद्र बदलने के मामले की जांच नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होने के बाद होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने भोपाल सहित अन्य जिलों से प्राप्त शिकायत की जांच कराने के निर्देश कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए। भाजपा और कांग्रेस ने कम मतदान का कारण मतदाता सूची की त्रुटि को बताते हुए जाँच की मांग की है। जिले के सभी डीलर्स को जारी किए गए वाहन पोर्टल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड। केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर वाहनों का पंजीयन की व्यवस्था को चालू करने के लिए कल से डीलर्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए जा रहे हैं। 1 अगस्त से ये व्यवस्था शुरू होगी। पहले ये व्यवस्था कल से लागू होने वाली थी, लेकिन तैयारी न होने से इसे लागू नहीं किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था को लागू किए जाने को लेकर 3 दिन पहले ही प्रदेश के ज्यादातर डीलर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब 1 अगस्त से काम शुरू किए जाने को लेकर सभी डीलर्स को परिवहन विभाग लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए जा रहे हैं। डीलर्स द्वारा ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के साथ ही नंबर भी जारी किए जाने की व्यवस्था के बाद परिवहन विभाग के पास सिर्फ कार्ड जारी करने का काम रह जाएगा। जनपद पंचायत चुनाव में जीत के बाद शिवराज बोले, अब हमारा लक्ष्य गांव में अधोसंरचना विकास। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जीत के अपने दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि बुधवार को आए जनपद पंचायत के चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता प्राप्त हुई। कुल 170 जनपद पंचायतों में कल चुनाव हुए, उनमें अब तक 121 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। कई जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी जनपद सीट नहीं मिली है। दूषित खान पान व अल्कोहल से बढ़ी हेपेटाइटिस ए सी की शिकायत, बी पर बढ़ा नियंत्रण। दूषित खान पान व अल्कोहल का सेवन लीवर संबंधी परेशानी बढ़ा रहा है। लोग हेपेटाइटिस ए और सी के मरीज बन रहे हैं। लीवर में सूजन की शिकायत होने से अस्पताल पहुंच रहे हैं। जय आरोग्य अस्पताल व आरोग्य धाम के डॉक्टर्स ने पिछले 3 साल की ओपीडी में 10,000 मरीजों पर एक स्टडी की। आरोग्य धाम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के MD डॉक्टर अवधेश तोमर का कहना है कि स्टडी में सामने आया दूषित खान पान और अल्कोहल का सेवन पीलिया लीवर में सूजन का कारण बनता है। इस कारण पिछले 3 साल में करीब 20% मरीज बढ़े हैं। मातुजी प्रणाम योजना में आवेदन 10 अगस्त तक। हर विकास खंड से 10 युवाओं का होगा चयन। 25 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं आवेदन। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मातुजी प्रणाम योजना में चयन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। युवा 10 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। योजना के तहत सागर जिले के प्रत्येक विकास खंड से 10 युवाओं का चयन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से किसी एक स्थल की अनुभव यात्रा के लिए किया जाएगा। आज को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने अपने शहर का हाल। वर्तमान में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और मॉनसून ट्रफ के उत्तर भारत की तरफ खिसकने के संकेत मिले हैं। ऐसे में आज से बारिश में कमी आएगी। MP मौसम विभाग ने आज को सभी संभागों में हल्की से मध्यम बारिश और 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं 5 संभागों और 12 जिलों में बिजली गिरने और चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया। बुधवार को अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, सिवनी, विदिशा, रायसेन, भिंड, मुरैना, शिवपुरी जिलों बारिश के साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर में बादल छाए रहेंगे। कोटक बैंक ने ग्राहकों को दी खुशखबरी, अब जमा रकम पर मिलेगा ज्यादा मुनाफा। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। मतलब यह हुआ कि आपने बैंक में डिपॉजिट कराई है या कराने वाले हैं तो पहले के मुकाबले ज्यादा मुनाफा मिलेगा। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक बढ़ी हुई नई दरें 26 जुलाई 2022 से लागू हैं। बैंक 7 से 30 दिनों में मैच्योर होने वाली जमा पर 2.5% ब्याज दर और 31 से 90 दिनों में मैच्योर होने वाले डिपॉजिट पर 3% की ब्याज दे रहा है। अल्पसंख्यक स्कूल के प्रमाण पत्र के आगे शिक्षा विभाग लाचार। मध्य प्रदेश में 700 से अधिक बड़े CBSE स्कूल जिनमें बड़े मिशनरी स्कूल शामिल हैं, अल्पसंख्यक संस्थान होने का मुखौटा पहनकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से खुद को बाहर किए हुए हैं। ये संस्थान अपनी शिक्षण समिति में अल्पसंख्यक सदस्यों को रखकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग से प्रमाण पत्र लाकर स्कूल शिक्षा विभाग में जमा करा देते हैं, जबकि उनके यहाँ अधिकतर विद्यार्थी बहुसंख्यक हैं। इस तरह प्रदेश में 10,000 सीट्स पर गरीब बच्चों को प्रवेश का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जबलपुर से रायपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और मुंबई जाने वाली ट्रेन्स में बढ़ी भीड़। ट्रेन्स में भीड़ से यात्रियों को राहत नहीं मिल पा रही है। त्योहारी सीजन पास आते ही ट्रेन में वेटिंग लंबी हो गई है। रक्षाबंधन के दौरान ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को ट्रेन में आरक्षित सीट्स नहीं मिल पा रही। इधर रेलवे ने कई ट्रेन्स में अतिरिक्त कोच बढ़ाए हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हैं। अब रेलवे त्योहार सीजन को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में जुटी है। जबलपुर रेल मंडल से जबलपुर और रीवा से कई स्पेशल ट्रेन्स के चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मांगी है। रीवा से चलने वाली ट्रेन की स्वीकृति मिल गई है, लेकिन जबलपुर के यात्रियों को अभी तक स्पेशल ट्रेन की राहत नहीं मिलती दिख रही।
सीएम शिवराज के अधिकारियों को बड़े निर्देश, अधिनियम में होगा आवश्यक संशोधन, एक सप्ताह में तैयार होगा रोडमैप, आमजन को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के सहकारिता नीति में आवश्यक संशोधन किया जाएगा, दरअसल इसके निर्देशन सीएम शिवराज ने दिए हैं। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि सहकारिता नीति अधिनियम में आवश्यक संशोधन 31 अगस्त तक किया जाए। वहीं समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश सहकारिता नीति 2022 लागू करने प्रस्तुतीकरण दिया गया। अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देश्य उपभोक्ता सेवा केंद्र के रूप में संचालित करने की योजना को भी तैयार किया जाए और इसका शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। ग्वालियर को मिलेगा 40 करोड़ का विशेष पैकेज, शहर को ऐसे होगा लाभ। ग्वालियर शहर की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिजली कंपनी एमपी के ग्वालियर कार्यालय के अधिकारियों ने सरकार से 40 करोड़ का विशेष प्रस्ताव देने का निवेदन किया। प्रस्ताव को भोपाल मुख्यालय के अधिकारियों ने अपने स्तर पर जांच परख लिया है। उधर ऊर्जा मंत्री का भी कहना है कि जल्द ही ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ का पैकेज मंजूर, 30,000 गांव में होगी मोबाइल कनेक्टिविटी। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी। इसके तहत दो फैसले लिए गए, पहला ये कि बीएसएनएल को उबारने के लिए पैकेज जारी किया जाएगा। इसके अलावा 29,616 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए काम होगा जहां अब तक ये सुविधा नहीं पहुंची। इसके लिए 26,316 करोड़ रुपए का सैचुरेशन पैकेज भी तय किया गया है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के खाते में आएंगे 81,000 रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए इस महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सरकार ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के खाते में वित्त वर्ष 2022 का ब्याज ट्रांसफर करने वाली है। आपको बता दें कि इस बार 8.1% की दर से ब्याज मिलेगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022 में पीएफ खाते में मिलने वाले ब्याज की गणना कर ली है। जल्द ही खाता धारकों के खाते में इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस बार सरकार के खाते में जमा कुल 72,000 करोड़ रुपए नौकरी पेशाओं के खाते में भेजी जाएंगी। बिजली का बिल आया 34 अरब, बहू का बीपी बढ़ गया, ससुर अस्पताल में भर्ती। बिजली का बिल काफी बड़ा हुआ आ गया, कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन तब क्या हो जब किसी का बिजली का बिल लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में आ जाए। ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर में जब बिजली विभाग ने अरबों रुपए का बिल एक परिवार को पकड़ा दिया तो ससुर और बहू को सदमा लग गया। ससुर को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सर्वेश पुरोहित के मुताबिक हैरान कर देने वाला ये मामला ग्वालियर के शिव विहार कॉलोनी का है। यहां रहने वाले संजीव कनकने पेशे से वकील हैं। उनकी पत्नी प्रियंका गुप्ता एक गृहिणी है। संजीव ने बताया कि इस बार जब उनका बिजली का बिल आया तो देखकर सभी परिजनों के पसीने छूट गए। आत्मनिर्भरता के साथ सीमा पर बढ़ेगी ताकत, 29,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए भारत ने सशस्त्र ड्रोन, स्वार, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट सहित 28,732 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसे देश में डिजाइन और विकसित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने मामले की जानकारी दी। क्लोज क्वार्टर कार्बाइन LAC सहित भारत की सीमाओं पर तैनात अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए होगी। रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सैन्य बलों की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए 28,000 करोड़ रुपए के स्वाम ड्रोन, क्लोज क्वार्टर कार्बाइन समेत अन्य सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी। बीएड और डीएलएड कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया ये निर्णय। वर्तमान समय में बीएड और डीएलएड कर रहे मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने इन्हें प्रशिक्षण के दौरान ही एक विशेष सुविधा देने का ऐलान किया है, जिससे आने वाले समय में बीएड और डीएलएड कर निकलने वाले छात्रों की नौकरी में काफी सहूलियत होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि बीएड और डीएलएड छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान ही ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का प्रारंभिक ज्ञान दिया जाएगा। प्रदेश के करीब 10,000 शिक्षकों को प्रारंभिक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाना निश्चित किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 4% डीए हाइक से 18 महीने के एरियर तक अगस्त में मिलने वाले हैं 4 तोहफे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, केंद्र सरकार अगले महीने उन्हें 4 बड़े तोहफे दे सकती है। पहला तोहफा महंगाई भत्ते में इजाफे के रूप में मिल सकता है। वहीं डीए एरियर यानी 18 महीने से रुके एरियर पर भी बात बन सकती है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर की डिमांड पर भी चर्चा होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी रास्ता साफ होता दिख रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।